कल अम्बाला में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचेंगे, जिसको लेकर आज फाइनल रिहर्सल की गई। रिहर्सल में तैयारियां जांचने सीआईडी विभाग के एडीजीपी आलोक मिश्रा पहुंचे, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया व परेड की सलामी ली। अम्बाला के उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं। वैक्सीन लगवा चुके लोग ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। 15 साल से छोटे बच्चों को प्रस्तुतियों में शामिल नहीं किया गया है। बता दें, कल देश भर में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कल गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने अम्बाला पहुंचेंगे, जिसको लेकर आज अम्बाला के पुलिस लाइन ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें हरियाणा सीआईडी विभाग के एडीजीपी आलोक मिश्रा शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आलोक मिश्रा ने भारतीय ध्वज फहराया व परेड की सलामी ली। मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि कल गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। कार्यक्रम को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। वैक्सीन लगवा चुके लोग ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। 15 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को प्रस्तुतियों में शामिल नहीं किया गया है। अम्बाला में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण परेड मैदान में भी पानी जमा हो गया था। संबंधित प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी मैदान को ठीक कराने में जुट गए हैं। गीले मैदान पर मिट्टी डाली जा रही है। कल बारिश होने की सूरत पर उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि बारिश होने पर कार्यक्रम अनाज मंडी में करवाया जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि बारिश नहीं होगी और भव्य कार्यक्रम इसी मैदान पर होगा। आज जैसा कि 26 जनवरी के लिए हमारी फाइनल रिहर्सल थी, तो इसमें अच्छी तरह रिहर्सल की जा रही है। यहाँ पे तैयारियाँ भी हमारी पूरी हैं, और इसके अलावा जो चंडीगढ़ से हमारे सीनियर ऑफिसर्स आए थे, एडीजीपी सीआईडी सर आए हैं, यहाँ पे आईजी लॉ एंड ऑर्डर सर हैं, तो बाकी भी जितने भी ऑफिसर्स आए हैं सभी ने तैयारी का निरीक्षण किया यहाँ पे। तो तैयारियाँ हमारी बेहतर है, और सभी को, अम्बाला वासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोविड का ध्यान इसमें पूरा रखा जाएगा, सभी वैक्सीनेटेड हैं, और बच्चे भी हमने स्पेशली 15 साल के ऊपर के बच्चे लिए हैं, जो जिनके सिंगल डोज लग गया हो, तो इसमें भी, और इसके अलावा जितने भी दर्शक भी आएंगे, जो भी डिपार्टमेंट से हैं या हमारे कर्मचारी हैं, कोई भी है, उनके भी वैक्सीन लग चुकी है। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर पूरा रहेगा, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी देखा जाएगा। सर, खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।